हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। इग्नू ने जब से ये दो फॉर्म्स रिलीज किए हैं तब से स्टूडेंट्स के अंदर कलबली मच गई है। वो ये सोच रहे हैं कि ये दो फॉर्म हैं किस तरीके से हैं, क्या है। तो यहाँ पे आपको हम पूरी डाउट्स जो है आपके क्लियर करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा और कब आपकी जो फॉर्म जो है फिलअप होगा, लास्ट डेट क्या होगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस फॉर्म को रिलीज कब किया जाएगा, क्या क्या अपडेट्स होंगे, यहाँ पे हम आपको सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और कहीं सारे डाउट फॉर्म को लेकर किस तरीके का फॉर्म होगा, तो यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर करते हुए आपको हम ये रीड आउट करा देते हैं कि इस तरीके का ये फॉर्म है और क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और इसकी नीड है आपको फॉर्म को फिल करने की या नहीं है। यहाँ पे ये सब आपको बताया जाएगा। आप पूरी वीडियो देखें तभी आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये फॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पर उनके लिए कई सारे जो है नोटिस भी दिए गए हैं। कई अलग अलग जो प्रोग्राम हैं उनके लिए नोटिस दिया गया किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सब बताई गई हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। ये जो फॉर्म होगा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि बी ए जी बी एस सी जिसमें एडमिशन ले रखा है, उन्होंने 2019 में जो एडमिशन लिया है वही सिर्फ प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। और जिन्होंने एडमिशन ले रखा है बी एस सी वगैरह ऑल सब्जेक्ट्स के जो हैंगे प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर है उनका, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन बहुत सारा दिया गया है इग्नू की तरफ से। और इग्नू ने यहाँ पर बोला गया है कि इग्नू को यहाँ पर ये फ़ायदा होगा, उनको ये पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है यहाँ पर ऑफलाइन लेना चाहते हैं और कौन ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहता है, और यहाँ पे किस तरीके का पर्पस है, स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें इग्नू को ये पता चल जाएगा, स्टूडेंट्स की इंक्वायरी जो है सारी यहाँ पे पता चल जाएगी। और इससे इग्नू को यही पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लेना चाहते हैं और कौन प्रमोशन पा रहे हैं। और यहाँ पर अदरवाइज़ कोई स्टूडेंट है जो प्रमोट नहीं होना चाहता है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, बट आप अदरवाइज़ आप नहीं चाहते कि आप प्रमोट ना हो तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और प्रमोशन चाहते हैं तो आप प्रमोशन भी ले सकते हैं, बट इस फॉर्म को आपको भरना बहुत जरूरी है। बात करते हैं फॉर्म की कि फॉर्म कब तक आएगा, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये कब तक आ जाएगा, आप इसको कब कब फिल कर सकते हैं और कब ही अपडेट करेगा इग्नू, कब इग्नू की तरफ से जो है फॉर्म रिलीज कब तक हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिससे कि आप इस स्कीम के, यहाँ पर आपको जो स्कीम मिल रही है इसमें आपको कई सारे जो रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी मेंशन करनी है अपनी डिटेल्स। और ये जो फॉर्म है हमारी तरफ से ये आपके लिए आ जाना चाहिए 11 जनवरी या फिर 12 जनवरी, तो 15 के मिड में आ जाना चाहिए, जिससे कि आपके फरवरी में जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। और अदरवाइज़ आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में हैं तो वो मार्क्स जो है आपके फर्स्ट ईयर के जो है मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे। और अब आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर के जो आपके मार्क्स हैं वो इंक्लूड करे जाएंगे, और आपको यानी 2022 तक के बीच में आपको जो एग्ज़ाम है आपको क्लियर करने पड़ेंगे जून 2022 में। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप जो है प्रमोट हो जाओगे। अदरवाइज़ आपने जून 2022 में भी अच्छे से एग्ज़ाम नहीं किए तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक साल का गैप मिल रहा है, 2020 के जो जून के एग्ज़ाम यहाँ पे प्रमोट किए जा रहे हैं, 2021 और 2022 में आपको दो बार टाइम मिल रहा है, आप अच्छे तरीके से आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और आपको यहाँ टाइम मिल रहा है। और आप अगर आपने यहाँ पे असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करे हैं तो उसकी भी दिक्कत में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बात होती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो गया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं भी किया है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप प्रमोट हो रहे हैं, और अगर आपने कर दी है तो आपको वो सेकेंड सेमेस्टर जो है उसमें ऐड हो जाएगा। और अगर आप न्यू फ्रेशर हैं या सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपकी वो अदर सेमेस्टर जो है नेक्स्ट सेमेस्टर जो आएगा उसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपने नहीं भी किया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि कह रहे हैं कि जो अभी तक यही सोच रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिशन के बारे में क्या है। देखिए अदरवाइज आपने असाइनमेंट अभी तक नहीं सबमिट किए हैं तो आप 15 जनवरी लास्ट डेट है, आप सबमिट कर दीजिए। और अगर आपने नहीं भी किए हैं जैसे बी ए जी वगैरह एमबीएस जो भी एमएचडी कोई भी प्रोग्राम है तो सेमेस्टर है वहाँ पर आपने अगर असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अदरवाइज आप अभी सबमिट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर 2021 या 2022 तक आप ये जो है असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, जून तक आप सबमिट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है
क्योंकि मार्क्स जो है वैसे भी आपको प्रमोट किया जा रहा है, और बट आपको ये 2022 तक आपको उससे पहले कर देना है, नहीं तो फिर यहाँ पे मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। 22 तक आप कर दीजिए और वेट करने की कोई बात नहीं, 15th और जनवरी लास्ट डेट है, आप यहाँ पर भी सबमिट कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है ये फिलअप करना पड़ेगा। इससे आपको भी फायदा होगा, इग्नू को बहुत यहाँ पे नॉलेज क्रिएट होगी, कितने स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, कितने प्रमोट हो रहे हैं, यहाँ पे इग्नू को भी एक जो है फायदेमंद बात हो जाएगी, और आपको यहाँ पे फॉर्म भरना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, असाइनमेंट सबमिशन के बारे में भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 19 में अदरवाइज आपने नहीं भरे, जून 19 जो है आपने नहीं भरे हैं, तो आप असाइनमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे 2020 में भी नहीं करें तो 21 या 22 के बीच में आप कर सकते हैं, जिससे कि इग्नू को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके भी जो है मार्क्स जो है इंक्लूड हो जाए। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अदरवाइज आप जो है अभी भी इसमें है इस डाउट में कि आप प्रमोट हुए भी हैं या नहीं हुए, तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि प्रमोट जो है वो सिर्फ वही स्टूडेंट्स हुए हैं जो प्रमोशन के लिए, सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था, जैसे BAG MPS जो भी एडमिशन जिन्होंने लिया था तो वही सिर्फ एलिजिबल हैं, और या फिर जिन्होंने जिनका एग्ज़ाम 2019 जुलाई में था और वही एलिजिबल होंगे और कोई स्टूडेंट नहीं है। उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आपका एडमिशन जो है जुलाई 2019 है और या फिर आपके एग्ज़ाम जो थे जुलाई 2019 में थे या नहीं थे, आप ये किस तरीके से देखेंगे आपको हमको यहाँ पे बता देते हैं। तो आप एनरोलमेंट रोल नंबर डालकर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आप प्रमोट हुए या नहीं हुए। और अब आपको सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अदरवाइज आपको कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।